हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल गांव से। अपने दोस्तों काफ़ी समय से वीडियो नहीं मिल पा रही, उसके अपने कुछ रीज़न थे। बार बार यही रीज़न आते हैं कि वीडियो नहीं मिल पा रही, उसके कुछ रीज़न थे। आप बोर हो चुके हो इस चीज़ से, ठीक है। अब कंटिन्यू वीडियो डलेगी डलेगी, कोई भी रीज़न नहीं आएगा। हेल्थ इशूज रहते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो वही था कि आपने देखा होगा पिछली वीडियो में मेरी आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही थी, क्योंकि सर्दी का बहुत ज़्यादा असर था। बीच में होली आ गई, साउंड वाउंड लगा हुआ था आसपास में, तो मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस वजह से हमारी वीडियो नहीं डल पा रही थी, ठीक है। तो आज हम जो है अपना कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे, अब तक हम जो पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था पहले प्रागैतिहासिक काल, आग प्रागैतिहासिक काल, और आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल, ठीक है। मैंने बताया था प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जो कि हम खुदाई के दौरान जो भी साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पे हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है वो हम उसके उसी के थ्रू हम पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा बताया था मैंने आग ऐतिहासिक काल, वहां पर पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले थे और खुदाई के दौरान लिपियां भी मिली थी, लेकिन वो अपटित हुई थी, ठीक है। उनके बारे में हमें उसी आधार हम फिर क्या करते हैं, आधार हम उन्हीं पुरातात्विक साक्ष्यों को बनाते हैं, मतलब खुदाई के दौरान जो मिलते हैं उन्हीं को, जो लिखित सामग्री मिली है हम पढ़ नहीं पाए हैं इस कारणवश हम उनके आधार हमारा वो नहीं बन पाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ऐतिहासिक काल के दौरान हमें पुरातात्विक साक्ष्य को भी हम पढ़ते हैं और लिखित साक्ष्य जो भी मिले हैं हमें उनको भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो दोनों साक्ष्य का जो हम आधार लेके चलते हैं वो युग स्टार्ट होता है वैदिक काल से, ठीक है, वैदिक युग, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक युग के बारे में। वैदिक युग के बारे में जो हमें प्रमाण मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं और लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इसके बारे में डिटेल चर्चा हम डिटेल में करनी होगी, इसलिए अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वैदिक काल के बारे में। देखो वैदिक काल जो हम पढ़ेंगे दो भागों में बांट के, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 BC से लेके 1000 BC तक होता है और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेके 500 BC तक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल जो है, ये आखिर इस दौरान कौन लोग रहते थे हमारे यहाँ पे, इस दौरान हमारे इस काल के दौरान जो रहते थे वो आर्य लोग रहते थे। तो आर्य लोग रहते थे, तो ऋग्वैदिक काल के बारे में जानने से पहले हमें आर्यों के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इंट्रो आर्यों के बारे में लेंगे कि आर्य कौन थे, आर्य का अर्थ क्या है, कहाँ से आए, ठीक है। तो इनके बारे में कि विद्वान क्या क्या कहते हैं, थोड़ी सी आर्यों के बारे में भूमिका बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आर्यों से संबंधित एक दो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है ऋग्वैदिक काल दो भागों में बटा रहता है, उत्तर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इसमें जो अंतर जो है ना कालों में, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में हम लोहे का प्रयोग कब, लोहे से वाकिफ हो जाते हैं, लोहे की जानकारी हो जाती है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में हम लोहे का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आर्य कौन थे, ठीक है, आर्य कौन थे। वैदिक सभ्यता के मूल निवासी आर्य कहलाते थे। वैदिक सभ्यता जब स्टार्ट, जहां से स्टार्ट हुई अंत तक, जिसमें जो निवास करने वाले जो लोग थे वो आर्य थे, ठीक है। तो आर्य कौन कहलाते हैं, आर्य वो लोग कहलाते हैं जो वैदिक सभ्यता के दौरान वैदिक सभ्यता में निवास करते थे, ठीक है, या वैदिक सभ्यता के दौरान जितने क्षेत्र में वैदिक सभ्यता फैली हुई थी उसमें जो लोग निवास करते थे उनको आर्य कहा जाता था, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है, आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, उदांत, अभिजात, उत्कृष्ट और स्वतंत्र, ठीक है। अधिकतर जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये जो है याद होना हमारे टिप्स पे जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं आर, आर एक तो हो गया कि वैदिक सभ्यता में मूल निवासी जो होते थे आर होते थे। आर एक के बारे में थोड़ा सा जानना ये भी जरूरी है, आर्य एक भाषा समूह को सूचित करता है, मतलब कि जितनी भी आर्य जाति थी वो एक ही भाषा को बोलती थी। तो ये भी कह सकते हैं कि आर्य जो थे वो एक सब एक निश्चित भाषा का प्रयोग करते थे। तो वो क्या बोलते थे कि वो एक भाषा समूह को सूचित करते थे कि भाई इस भाषा को बोलने वाले इस समूह से लोग हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर्यों का आगमन काल। देखो तो इसमें थोड़ा मतभेद होता है, आर्यों का आगमन काल, हाँ, जो कि कुछ विद्वान कहते हैं कि तबाई, ठीक है। तो उसके बारे में जानते हैं कि ये कब आए, ठीक है। विंटर निज ने कहा था ये 2500 BC में आए, विंटर निज ने कहा था ये 2500 BC या ईसा पूर्व में आए, ठीक है।
बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ये 6000 BC में आए, ठीक है, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ये 6000 BC में आए। जो सर्वमान्य मत है, जो आपको जब ऑप्शन आता है तो आपको यही टिक करना होगा कि मैक्स मुलर ने कहा था कि 1500 BC में आए, जो कि हमने आधार भी बनाया है, ठीक है। इसका काल कितना है, 1500 BC से लेके 600 BC तक। अगर पूछता है कि वैदिक काल का काल कितना है, कितना बड़े समय तक वैदिक काल रहा था, तो 1500 BC से 600 BC तक। अगर पूछता है ऋग वैदिक काल का काल कितना है, तो आपको बताना होगा 1500 BC से 1000 BC तक। और अगर उत्तर वैदिक काल का पूछता है तो आपको बताना होगा 1000 BC से 500 BC तक, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि आगमन काल में मतभेद था, ये मूल स्थान कि आखिर जो आर्य थे भाई, वो आके एकदम तो बस नहीं गए, कहीं ना कहीं से तो आए होंगे आर्य, ठीक है। तो ये मत विदेशी मत और विदेशी मत के आधार पे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारे देशी मत हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं कि जो आर्य लोग थे वो कहाँ से आए, आर्कटिक क्षेत्र। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये आर्य जो थे वो आर्कटिक क्षेत्र से आए, ठीक है। आर्कटिक क्षेत्र कैसे, क्या जो हमारा ऊपर वाला ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव, इसको आर्कटिक क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। आर्कटिक क्षेत्र से आए, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, आर्कटिक होम ऑफ आर्यन, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यन, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि ये आर्कटिक क्षेत्र से आए। दयानंद सरस्वती कहते थे तिब्बती क्षेत्र से आए, हिमालय के पीछे का जो क्षेत्र है तिब्बती क्षेत्र, ये यहां से आए, ठीक है। डी एस त्रिवेदी ने कहा ये अफगानिस्तान से आए, ये अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान सबको पता है, ठीक है। अफगानिस्तान का एक और नाम है देविका प्रदेश, ठीक है। तो अगर अफगानिस्तान ना हो तो देविका प्रदेश हो सकता है, तो देविका प्रदेश को आपको टिक करना है, ठीक है। अगला है डी कल्ला ने कहा ये हिमालय क्षेत्र से आए, हिमालय क्षेत्र से आए, या फिर कभी कभी हिमालय क्षेत्र की जगह लिख देता है कश्मीर, ठीक है, कश्मीर क्षेत्र से आए। किसने कहा, डी कल्ला ने। ऑप्शन में देगा कि निम्नलिखित क्षेत्र से जैसे कि ऑप्शन में दे देगा कि किसने कहा कि आर्कटिक क्षेत्र से आर्य लोग आए थे, तो उसमें ऑप्शन में होगा बाल गंगाधर तिलक, चार ऑप्शन में से एक होगा बाल गंगाधर तिलक। तो आपको बाल गंगाधर तिलक पे लगाना है कि उन्होंने कहा था कि आर्कटिक क्षेत्र से आर्य आए थे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट कहा, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ था, लेकिन जो एग्जाम में रिपीट होता रहता है हमें वो पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना कि एक्स्ट्रा सब कुछ, ठीक है। अगला है संपूर्णानंद प्लस अविनाथ चंद्र दास ने कहा ये लोग सप्तसैंध प्रदेश से आए, कहां से आए, ये लोग सप्तसैंध प्रदेश से आए, या सिंधु सभ्यता, सप्तसैंध प्रदेश को सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, जो सिंधु सभ्यता थी वो बोलते हैं कि ये लोग, कौन बोलते हैं, संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास बोलते हैं कि ये सिंधु सभ्यता से आए, मतलब सिंधु सभ्यता का जो, सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था ये लोग वहां से आके बसे, ठीक है। अगला है गंगानाथ झा कहते हैं ये ब्रह्मसी प्रदेश, यानी कि गंगा यमुना प्रदेश से ये आए, कौन से प्रदेश से, गंगा यमुना दुआ प्रदेश से ये आए, गंगा यमुना दुआ प्रदेश से आए, कौन कहता है, गंगानाथ झा। देखो बहुत इजी भी है, इनका ये मिलता भी है, ठीक है, गंगानाथ झा बोलते हैं गंगा यमुना प्रदेश दुआब से ये आए। अब विदेशी मत के बारे में बात करते हैं, विदेशी मत में है जॉन विलियम, सर जॉन विलियम जॉन्स, ये कहते हैं कि जो आर्य थे ये कहां से आए थे, ये आए थे यूरोप से, यूरोप में भी कहां से आए थे, हंगरी जर्मनी, हंगरी दक्षिणी रूस, ठीक है। और मैक्स मूलर ने कहा था ये कहां से आए, मैक्स मूलर ने कहा था कि ये मध्य एशिया या बैक्ट्रिया प्रदेश से आए, ठीक है। इनके अपने अपने कुछ आधार रहे थे, इन्होंने भाषा के आधार पर बोला था, क्योंकि ये आर्यों की भाषा थी और इनकी कुछ भाषा थी, उनमें कुछ बहुत सारी चीज सिमिलरिटी थी, ठीक है। इन्होंने ईरान का एक ग्रंथ था उसमें और इसमें सिमिलरिटी मिली है, ठीक है। तो मतलब कि जो वैदिक सब ऋग्वेद है और वेद, उनके जो ईरान में जो एक सब वेद मिला है उसमें जो है सिमिलरिटी पाई गई है, तो उन्होंने उस आधार पे बोला है मैक्स मूलर ने कि ये जो है
मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, तो अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वैदिक वगैरह क्या, वेद क्या होते हैं, ऋग्वेद सामवेद, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं हमें। ठीक है, उसके बाद में राजनीतिक सामाजिक ये सब हो जाएगा और वैदिक काल आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आगे से आपको शिकायत नहीं मिलेगी। कंटिन्यू वीडियो डालेंगी, साथ में करंट की भी वीडियो डालेंगी, मेरे ग्रुप पे भी वीडियो डाला करेंगी, जिसका मैं लिंक अभी जल्दी मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर इट मोर एंड मोर।